बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, ढेर सारा मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन हरा मसाला, और इसके लिए मैं अभी ले रही हूँ कोरिएंडर और ये कोरिएंडर। अच्छा, ये मैंने हाफ बंच लिया कोरिएंडर का, ठीक है जी। ये इसमें ऐड कर दिया, और साथ लिए थोड़ा सा पुदीना, ये मैंने साफ़ करके रख लिया हुआ था। ये ऐड करेंगे, इसको अच्छे से पीस लेंगे। चिकन हरा मसाले का मैं हरा मसाला रेडी कर रही हूँ, ठीक है। और साथ में ये तीन अदद ग्रीन चिली है, ये इसमें ऐड कर दूँगी मैं, ठीक है। इसको मैं पीसने लगी हूँ इन सबको, और तकरीबन 800 ग्राम मेरे पास चिकन है। अच्छा जी, ये चिकन था 800 ग्राम मैंने वॉश करके रख लिया, और ये पिसा हुआ मटेरियल है ग्रीन चिकन हरा मसाले का। अच्छा जी, मैंने हाफ कप से कम ऑयल ले लिए, और उसमें एक बड़े साइज़ का ऑनियन डाल दिए। अब इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छे से। अच्छा जी, अब मैं डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून भर के जिंजर, 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक। अच्छा जी, अब हम डालने लगे हैं चिकन। चिकन को फ्राई करेंगे, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी ये 3 अदद ग्रीन चिली थी बड़े साइज में, ये काट के मैंने रखनी थी, ये ऐड कर दी। और साथ में मैं ये 2 अदद बहुत बड़े साइज़ के ली लूँगा, इनका रस डाल रही हूँ। मैं भी देती हूँ, ये देखें डालना है इसमें जैम नो, ये इसमें ऐड कर रहे हैं नींबू का रस। अब ऐड कर रही हूँ हस्ते ज़रूरत सॉल्ट, वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ मैं, 1 टीस्पून तकरीबन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्रीन चिली भी है और ये ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ इसमें। अगर आपकी ज़्यादा स्पाइसी हो तो प्लीज़ कम। अच्छा, ये 1 टीस्पून भर के वाइट पेपर है, और जीरा ऐड करेंगे, पाँच से 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, ऑलमोस्ट अब रेडी है। इसको 2 से 3 मिनट बस और बनाऊँ पकाऊँगी मैं दैट्स इट, और उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। चिकन हरा मसाला है बिल्कुल रेडी, अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के क्रीम, क्रीम फ्रेश, दैट्स इट, और बस अब इसको सर्व करेंगे। और ये देखें, ये बन के तैयार है हमारा चिकन हरा मसाला, मज़ेदार सा ये है इसकी फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।